तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अपने ही फोन से घर बैठे मोबाइल फोन से जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं आगे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं दो फोटो है, दोनों फोटो को मैं ज्वाइन करके दिखाऊंगा बहुत ही आसानी से। मोबाइल फोन से आप लोग भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग गूगल में आ जाएंगे, और आने के बाद यहाँ पर रिमूव बिजी टाइपिंग करके इंटर कर लेना है इस तरह से, और पहला वाला वेबसाइट में आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपलोड इमेज है, तो इसमें आप लोगों को क्लिक करना है और उस फोटो को आप लोगों को ले लेना है। पासपोर्ट जिसको बनाना चाहते हैं, सबसे पहले इसको बैकग्राउंड को क्लिक करके हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा और इसका बैकग्राउंड आप लोग इस तरह से हट जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर हट जाएगा और PNG बन जाएगा गाइज। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, एक फोटो को डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, फिर दूसरा फोटो को भी उसी तरह से आप लोगों को करना है। उसी ऊपर में देख सकते हैं अपलोड इमेज है, इसमें आप लोगों को क्लिक करके दूसरा फोटो को भी ऐड कर लेना है, ठीक है, जिसको आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। इस तरह से ये भी आ जाएगा। आ जाने के बाद इसका भी बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से थोड़ा प्रोसेसिंग लेता है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद इस तरह से आ जाता है, देख सकते हैं इसका भी बैकग्राउंड यहाँ पर डिलीट हो गया है, इरेज हो गया है, ठीक है। उसको भी आप लोग यहाँ पर डाउनलोडिंग कर लेना है, डाउनलोडिंग कर लीजिएगा तो आपका गैलरी में डाउनलोडिंग हो गया है, सेव हो गया है। अभी आप लोगों को एक नंबर काम हो गया। अभी दूसरा काम करना है, आप लोग अपने फ़ोन के पिक्सेल लैब में आ जाएंगे, ठीक है। ये गूगल प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो इस तरह से ओपन कीजिएगा। ये सबको आप लोगों को कैंसिल कर देना है, ये बीच वाला टैक्स है इसको आप लोगों को डिलीट कर देना है। यहाँ पर जाकर डिलीट कर दीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले ये बैकग्राउंड आप लोगों को चेंज करना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर को आप लोगों को चेंज करना है, नहीं तो पहले प्लस कीजिएगा, फ्रॉम गैलरी कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉम गैलरी कीजिएगा, फोटो को ऐड कर लीजिएगा जिसका आप लोग बैकग्राउंड को इरेज किए थे दोनों को, ठीक है, एक एक को आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इसको मैं ऐड कर लिया हूँ इस तरह से, और यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से कीजिएगा अपना फ़ोटो को। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। फिर दूसरा फ़ोटो को आप लोगों को लाना है, यहाँ पर इस तरह से प्लस करके यहाँ पर फ्रॉम गैलरी करके क्लिक कीजिएगा। इस तरह से दोनों फ़ोटो को यहाँ पर इस तरह से ऐड कीजिएगा, यहाँ पर ओके कीजिएगा, और उसके बाद इसको इसी के साइज से आप लोगों को यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर लगा लीजिएगा छोटा करके इस तरह से, देखिए पासपोर्ट साइज इस तरह से बनाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर कीजिएगा, तो देख सकते हैं इस तरह से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा दोनों को, ठीक है, दोनों को इस तरह से दबा दबा के आप लोग इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट हो जाने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना है उसके बाद दिखाते हैं। इस तरह से हो जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर अलग है, इसको आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा गैलरी, यहाँ पर देख सकते हैं कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर कलर में क्लिक कीजिएगा, बहुत सारा कलर यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कलर में आप लोग क्लिक कर लेने के बाद कलर आप लोग चूज़ कर लीजिएगा, जो कलर आप लोगों को रखना है बैकग्राउंड में, ठीक है, पासपोर्ट साइज में जो रहता है वही वाला रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का रहता है ज़्यादातर, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद ओके कर लेता हूँ। इसको अभी क्या कीजिएगा, आप लोगों को कुछ नहीं, इसको अभी आप लोगों को सेव करना है। यहाँ पर देखिए सेव एज इमेज है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट है, उसके बाद यहाँ पर अल्ट्रा है, अल्ट्रा में क्लिक करके सेव टू गैलरी कर देना है, तो आप लोगों का फ़ोटो सेव हो जाएगा, ठीक है, फ़ोटो सेव हो गया। इसको अभी हटा देना है, यहाँ पर डिफॉल्ट का ऑप्शन है इसको हटा देना है। उसके बाद ये बीच वाला टैक्स है इसको भी आप लोगों को हटा देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पेपर साइज कर लेना है, 4:6 साइज, यहाँ पर देखिए 3 डॉट है, इसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा। इमेज साइज आप लोगों को लेना है, ठीक है, यहाँ पर 4:6 साइज लेना है, तब न जाके आपका फ़ोटो एडजस्ट होगा, सेटिंग होगा। यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो 4:6 साइज में ही ज़्यादातर निकलता है, तो यहाँ पर 4:6 साइज आप लोग कीजिएगा, ठीक है, 4:6 साइज कीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ओके कीजिएगा, ओके करने के बाद आपका फ़ोटो बैकग्राउंड यहाँ पर रेडी हो गया, पेज रेडी हो गया है, ठीक है। इसको अभी कलर यहाँ पर कर लीजिएगा, व्हाइट वाला
आप लोग कर लेना है, व्हाइट पेज कर लेना है। ठीक है, व्हाइट पेज इस तरह से कर लीजिएगा तो देख सकते हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर देख सकते ग्राफ का चिन्ह है, इसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर सुविधा होता है काम करने में। ठीक है, इस तरह से हो जाने के बाद फोटो को ऐड करना है। यहाँ पर प्लस में क्लिक कीजिएगा, फ्रॉम गैलरी क्लिक किया, उसके बाद जो फोटो को अभी सेव किए थे आप, उस फोटो को आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कीजिएगा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोग अभी ध्यान दीजिएगा, इस तरह से घुमा लीजिएगा, इसको रोटेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर अभी और एक काम करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेम का ऑप्शन, यहाँ पर पासपोर्ट वाला ये वाला आपको सेलेक्ट करना है 3.4। ठीक है, इसको आप लोगों को सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर क्रॉप करना है, तो इस तरह से चारों तरफ से आप लोगों को यहाँ पर क्रॉप करना है। इस तरह से आप लोग क्रॉप कर लीजिएगा पासपोर्ट साइज का, इस तरह से आप लोग क्रॉप कर लीजिएगा। देख सकते हैं ज़्यादा उधर निकला हुआ है, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा क्रॉप। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ओके का ऑप्शन है, तो कर दीजिएगा राइट चिन्ह में, फोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसको अभी थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, उसी का डब्बा के हिसाब से आप लोगों को रखना है पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आप लोग कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप लोग एक डब्बा में भर दीजिएगा। भरने के बाद यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को बॉर्डर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन है, यहाँ पर स्ट्रोक मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर, यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर स्ट्रोक को ओपन कीजिएगा और ब्लैक वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। ब्लैक वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा, तो बॉर्डर आपका लग जाएगा। अभी अभी कुछ नहीं करना आप लोगों को, एक फ़ोटो हो गया उसी में आपका सब हो जाएगा। फ़ोटो में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर कॉपी में क्लिक कीजिएगा, आपका कॉपी होते जाएगा। और इस तरह से खींचते हुए ये डब्बा में आप लोगों को भरना है। ठीक है, एक लाइन में चार फोटो एडजस्ट होता है, तो इस तरह से आप लोगों को जितना फ़ोटो आप लोगों को निकालना है, इस तरह से एक पेज में आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। देख सकते हैं एक लाइन में चार फोटो होता है, सिर्फ फोटो में क्लिक कीजिएगा, कॉपी में क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से लाइन लाइन आपको लगा देना है, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर लगा लेता हूँ, उसी तरह से है ना। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इस तरह से आप लोगों को करना है। फोटो में क्लिक करना है, कॉपी में क्लिक करना है, खींच के लेके आ जाना है, जितना कॉपी आप लोगों को निकालना है। तो मैं पूरा पेज में निकालना चाहता हूँ, तो इस तरह से कर लीजिएगा। हो जाने के बाद देख सकते हो गया, अभी इसका कुछ काम नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पेज को सेव कर लीजिएगा। यहाँ पर सेव एज इमेज है, तो इसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में क्लिक करके अल्ट्रा है, अल्ट्रा में क्लिक करके सेव टू गैलरी कर दीजिएगा, तो आपका फोटो सेव हो जाएगा। ठीक है गाइस, सेव हो गया है, तो देखिए अब गैलरी में आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, आपका फोटो पेज बन के रेडी हो गया है। अभी इसको आप लोग कुछ नहीं, स्टूडियो में जाइए, फ़ोटो को दे दीजिए और बोलिए सिर्फ हम लोगों को अभी ये वाला पासपोर्ट फोटो निकालना है और कुछ नहीं, प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।